हाँ, क्लास सेवेंथ के बच्चों का ये पहला लेसन है, आज हम शुरू करेंगे आप लोगों के सामने। ये देखिए, पहला चैप्टर है जलाते चलो। यहाँ आप जलाते चलो लिखा है। अब इसको आप लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे, जैसे धरा मतलब धरती, तिमिर मतलब अंधेरा, शिला मतलब पत्थर पहाड़, लौ मतलब दिए का प्रकाश, निशा मतलब रात्रि। अब है कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी, ये बहुत सुंदर कविता है, इसको उन्होंने समाज के ऊपर लिखा है कि लिखा कहते हैं, जलाते चलू ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, दिए अनगिनत बार निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए की तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इस द्वारिका प्रसाद महेश्वरी सुंदर कविता का इस प्रकार समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर कर रहे हैं और कहते हैं कि जलाते ये मनुष्यों को संबोधित करें, मानव को संबोधित के, हे चेतना मनुष्य मानव, तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर वो प्रकाश है, तुम्हारे अंदर वो दृढ़ प्रतिज्ञ है कि तुम हर अंधेरा को मिटा सकते हो। उन्होंने मनुष्यों को संबोधित करते हुए लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटे। हे मनुष्यों, तुम अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाते चलो, कभी तो ये अंधेरा मिटेगा। मत अपनी उम्मीद को कभी खोना नहीं, हमेशा अच्छे विचार, हमेशा अच्छी उम्मीद कायम रखना है, दृढ़ प्रतिज्ञ करना है। तुम हमेशा अपना अच्छे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो, नेक कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहो, कभी तो तुम्हें सत्य का किनारा मिलेगा ही मिलेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। उन्होंने द्वारका प्रसाद महेश्वरी कहते हैं कि ये मनुष्य तुमने ही पहली बार अंधेरा को मिटाने के लिए समाज रूपी अनैतिकता अज्ञानता को स्वीकार किया था, और तिमिर की इस नदी रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, अंधकार रूपी नदी को दूर करने के लिए तुम्ही ने प्रथम बार दीप का नाव तैयार किया। तो उस नाव, उस प्रकाश रूपी नाव को अंधेरी रूपी नदी में, सरिता में चलने की प्रथम बार चुनौती तुमने स्वीकार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तुम उस अथाह रूपी नदी में प्रकाश रूपी नाव को तुम निरंतर चलाते रहो, तुम्हें कभी न कभी किनारा अवश्य मिलेगा। उस अंधेरे रूपी सरिता को देख करके तुम घबराओ नहीं, अपना प्रकाश रूपी दीप हमेशा जलाए रखो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और लिखा है, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, दिए अनगिनत बार निरंतर जलाए। ये मनुष्य तुम्ही ने युगों युगों से अंधेरी रूपी अज्ञानता रूपी समाज में व्याप्त अंधविश्वास अज्ञानता को दूर करने के लिए तुमने अनगिनत बार प्रकाश ज्योति फैलाने, शिक्षा रूपी ज्ञान फैलाने की कोशिश किया, निरंतर करते रहे हो तुम लोगों। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत बार पवन ने बुझाए। समय साक्षी है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश को समाज में फैलाया, हमेशा फैलाते रहे, लेकिन
आताताई शक्तियाँ ये झोंके हमेशा ये उनको प्रताड़ित करते रहे। यहाँ यह मतलब है कि उनके उनके दीपक को आताताई शक्तियों ने अपने दम पर चोट पहुँचाया, उनको बुझा दिया, लेकिन फिर भी वो महापुरुष अपने हिम्मत के बल पर वो हार नहीं माने, फिर से वो अपना दीपक जला दिए, फिर से ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने की कोशिश करते रहे। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, मगर बुझ गए मतलब वे स्वयं प्रकाश रूपी ज्ञान को फैलाते हुए अपने आप को मिटा दिए, मर गए, लेकिन वो एक ज्योति दे गए, वे एक ऐसा प्रकाश पुंज जो दे गए, ऐसा प्रकाश पुंज जो कभी मिटने वाला नहीं, ऐसा वो दे गए। उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा, उसी वो जो दे गए महापुरुष प्रकाश, उसी से हमें उजाला मिला, वो ऐसा ज्ञान दे गए कि हम उस ज्ञान को लेकर के फिर से हम अपने दीपक को जलाने की कोशिश करने, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को समाज में फैलाने की कोशिश करते रहे और अज्ञानता को मिटाने का हमेशा प्रयास करते रहे। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, सदियों से महापुरुषों ने अच्छे काम करते रहे और आताताई शक्तियाँ उनको समाप्त करती रहीं, अज्ञानता रूपी उन पर वार होता रहे, फिर भी वह डटे रहे अपने कर्तव्य पथ पर। जली जो प्रथम बार लौ दिए कि स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, एक बार भी प्रकाश का दिया यदि जल गया तो वो बुझने वाला नहीं है, हमेशा वो स्वर्ण के माफ एक जिस प्रकार सोना अग्नि में तप कर और प्रकाश पुंज हो जाता है और भी वह निखर जाता है, उसी प्रकार सत्य रूपी प्रकाश दिया हमेशा दूर से ही दिखाई देता रहेगा, प्रकाश जलता रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, यदि एक भी सत्य का दीपक रहा, यदि एक भी महापुरुष धरती पर बने रहे, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, तब वह निशा हम निशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाएगी और उसके ऊपर प्रकाश रूपी पर्व छा जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा, अंधकार मिट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा और हमेशा व्यक्ति अज्ञानता को छोड़कर शिक्षा का मार्ग अपना लेगा, सत्य का मार्ग अपना लेगा, सही सोच अपना लेगा और व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। बड़ी सुंदर कविता है ये, द्वारका प्रसाद ने लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे बच्चों। अब देखिए, धरा मतलब धरती पृथ्वी, तिमिर मतलब अंधकार, शिला मतलब पत्थर, निशा रात्रि रात, ये हो गया। इसको आप लोग कर लोगे, समझ लिए, इसका आप लोग भावार्थ आप लोग लिख लोगे, ठीक है।